यूट्यूबर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिसार वाला। और आज की इस वीडियो में पेंजिंग बोनसाई सीरीज की कलेक्शन की दूसरी आर्टिस्टिक क्रिएशन से रूबरू करवाने के लिए हिसार वाला हाजिर है। और इस क्रिएटिविटी की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पेंजिंग बोनसाई एक्सपर्ट डॉक्टर विवेक कुमार जी, जो कि आपको इस नया बोनसाई के बारे में सारी डिटेल्स देने वाले हैं। इस सीरीज का यूनिक प्लांट्स की सीरीज का सेकंड प्लांट है। सेकंड प्लांट रहेगा इसका। ये प्लांट की स्पीशीज का नाम है कार्मोना या वैक्स मेलपीजिया। वैक्स मेलपीजिया, हाँ। इसके पत्ते इतने ज्यादा चमकते हैं कि ऐसे लगेगा आपको उन पे वैक्स लगाई हुई है। जी जी बिल्कुल। और छोटे छोटे सफेद रंग के फूल भी आते हैं इसपे। वाह सर, तो ये सर इस आर्ट को क्या बोलेंगे? इस आर्ट को पेंजिंग बोलते हैं। पेंजिंग, ये फेरोसीमेंट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमने एक प्लांट लगाया है कार्मोना का। ये सेमी कैस्केड स्टाइल में है, अगर ये बहुत नीचे लटक जाए तो उसको कैस्केड स्टाइल बोलेंगे, ये हाफ लटका है तो उसको सेमी कैस्केड स्टाइल बोलते हैं। एल्यूमिनियम वायर से वायरिंग की है जी, जी, ताकि जैसी शेप हम चाहते हैं प्लांट की वैसी हमें मिल जाए। तो सर इसके अंदर ये बोतल देख पा रहे हैं, इसका क्या कुछ रीजन है? ये इरिगेशन के लिए है। इसमें इरिगेशन के लिए, इसमें इरिगेशन की बहुत जगह है। इस पॉट पे भी पानी भरेंगे तो ये पूरा प्लांट इरिगेट हो जाएगा। इस पे हमने पूरे प्लांट के लिए पूरी एनर्जी मिल जाएगी, फर्टिलाइजर और वाटर यहाँ से डाला जाएगा। तो सर इस क्रिएशन का कैसे रहता है, मतलब थीम रहती है क्या रहता है? बड़ा माउंटेन और ये जो ट्री का कॉम्बिनेशन है, ये उन्हीं बड़े माउंटेन से वियतनाम के हलोंग बे से इंस्पायर होकर सभी आर्टिस्ट बनाते हैं कि वहाँ पर कुछ माउंटेन सी के अंदर वो इस तरह से हैं और उन पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। तो ये उसी थीम पर है, हलोंग बे की थीम पर पेंजिंग आर्ट। इस वैक्स मेलपीजिया प्लांट लगाया है इसमें जी। तो सर इसका कितने ईयर का होगा ये, क्योंकि काफी मेहनत दिख रही है इस पे? ये 8 या 10 साल से हमारे पास 8 या 10 साल का। हाँ, लेकिन इसकी शेप पहले अलग थी, ये पूरा ट्री था, ऐसे इधर से था इधर से था, तो हमने इसको काफी प्रून करके सेमी कैस्केड शेप में लाए। ओके, आपने अपने अकॉर्डिंग आर्टिस्टिक जो दो साल से ये इसी शेप में हम मेंटेन कर रहे थे इसको गमले में। ओके, फिर ये पॉट बना तो ये प्लांट इस पॉट के लिए बिल्कुल सूटेबल लगा तो इसमें लगा। ओके, तो सर ये कलर किया है आपने क्या है? ये ड्राई ब्रशिंग पेंटिंग की टेक्निक है वो हमने की है। ड्राई ब्रश हाँ, पहले ब्लैक कलर का बेस है, उस पे येलो कलर की ड्राई ब्रश है, देख सकते हैं। तो ये स्टोन की लुक दे देता है बिल्कुल, ये लग भी रहा था बिल्कुल स्टोन की, क्योंकि आपने ही इसे। और इसके अंदर पूरी सरिया और जाली से बना हुआ है और बेस और इनका अटैच्ड है बिल्कुल, एक ही पार्ट है। एक ही पार्ट है जो ये देख पा रहे हैं, ये एक पार्ट के साथ में अटैच है। इस टेक्निक को फेरोसीमेंट बोलते हैं। फेरोसीमेंट, हाँ। बाकी आपको विजुलाइज करके किस तरह की शेप चाहते हैं वैसी शेप बन जाती है। और फिर हमने इसमें ये प्लांट लगाया सेमी कैस्केड स्टाइल। वाकई में बहुत ही गजब का, देख सकते हैं व्यूअर, बहुत ही गजब की आर्ट है और इसको बहुत ही इत्मीनान से बनाया गया है यहाँ पर। सर तो इस तरीके का अगर जो कोई परचेज करना चाहे तो कैसे आपसे जुड़ सकता है, कैसे इसका दीदार कर सकता है? हमारी नर्सरी फ्लोरा नर्सरी एसआर कैमरी तो शामलिंग रोड पर है, आधार हॉस्पिटल के पास, और 9991170234 हमारा फोन नंबर है। तो उससे जुड़ सकते हैं, कर सकता है, सीख सकता है या बनाना सीख सकता है या परचेज कर सकता है। तो आप वर्कशॉप भी सर ज्वाइन करवा सकते हैं? करवा सकते हैं अगर जो ज्वाइन करना चाहे तो व्यूअर देख सकते हैं, आपके पास में भी ये अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं इसको कि आप यहाँ से सीख भी सकते हैं। और बहुत ही नायाब चीज़ें हैं, बहुत समय लगता है इन नायाब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। तो सर अगर जो मान लीजिए कोई इसे खरीदना चाहे तो वो कैसे, मतलब ये इंडोर चलेगा आउटडोर चलेगा, वो कैसे? ये सेमी इंडोर प्लांट्स हैं, बिल्कुल इंडोर भी नहीं चलेंगे और बिल्कुल आउटडोर भी नहीं चलेंगे। जैसे बरांडे में या लॉबी के बाहर, मतलब घर के बाहर ही, घर के बाहर जहाँ थोड़ी छाया रहती है वहाँ लगाएंगे। थोड़ी छाया थोड़ी धूप में बहुत अच्छे चलते हैं जी, बहुत अच्छे चलेंगे, देख सकते हैं व्यूअर। और ये बहुत स्ट्रांग प्लांट है, बहुत पुराना प्लांट है, बहुत ही नायाब चीज है, देख सकते हैं व्यूअर। और आप इनका अगर जो पास से दीदार करना चाहते हैं, एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट कीजिए आपको ये आर्ट कैसी लगी, कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या बेस्ट लगा, और आप इस तरीके की सीरीज़ और देखना चाहते हैं तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।